नमस्कार आदाब। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लगी है तब से थानों में जब्तशुदा गाड़ियों की नीलामी तेजाई से चल रही है। भोपाल शहर के विभिन्न थानों में नीलामियां होने के बाद आज कोई फिजा थाने में आप देख सकते हैं पुरानी गाड़ियां, जो लाइन में दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, 61 गाड़ियाँ पूरे परिसर में खड़ी हैं। इन 61 गाड़ियों की आज नीलामी आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में हो रही है। आप देख सकते हैं कि सभी स्क्रैप के व्यवसायी यहाँ पर आ चुके हैं चारों तरफ, और ये एक बोली लगती है, क्रिया होती है, उसे पूरा किया जाता है। उसके बाद जो बोली ज़्यादा होती है उसे ये वाहन का स्क्रैप सौंप दिया जाता है। इसी तरीके से पिछले कई जगह ऐसा करके काफ़ी बड़ी रकम एक राजस्व की प्राप्ति शासन को हो चुकी है। आज कोई फिजा थाने के अंतर्गत जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका आज यहाँ पर नीलामी का कार्यक्रम हो रहा है। सर, आज की नीलामी में सर कौन विजेता हुआ है, कितनी बोली लगी है सर? ये टोटल 21 पार्टिसिपेंट थे, उसमें से जो 19 नंबर टोकन नंबर मिस्टर फरहान है उनके द्वारा ये पूरी बाजी जीती गई है, और जो कुल कीमत है वो 7,01,000 रुपये में बाजी टूटी हुई है। और फरहान को बहुत बहुत बधाई, और पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको क्रेता घोषित किया जाता है इन वाहनों का। अब ये नीलामी जो थी एक मनोरंजन जैसा लगा हमें, तो हमने धंधे की वजह से नहीं, एक शौक की वजह से इसमें खड़े हुए और थोड़ा देखा, लोग आए, लोग जुड़े। 7,01,000 रुपए की शायद आखिरी बोली मैंने बोली थी, तो उस पर लोगों ने मुझे जीत दिला दी। सभी 61 वगैरह वाहन है, मुझे तो इतना नहीं मालूम है आसिफ भाई, लेकिन बस ये है कि अच्छा लगा। पुलिस का बंदोबस्त अच्छा था, उन्होंने बड़ा छांव में बिठाया हमें, और रोजदारों का ख्याल रखा, और रमज़ान का एहतराम किया सबने, कोई अपशब्द नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छे मोहब्बत से सबको ट्रीट किया। बस यही अच्छा लगा, गंगा जमनी तहजीब लगी यहाँ पे। थाना परिसर में सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनकी आज नीलामी होना है, और यहाँ पर सभी व्यवसायी अपने अपना दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे नीलामी में बोली लगाना है और कैसे सामान को ख़रीदना है। काफ़ी तादाद में शहर के जाने माने सभी स्क्रैप व्यवसायी यहाँ पर इकट्ठे हैं और इन गाड़ियों को लेने के लिए आज हैं। चलिए, 7,01,000 रुपए एक, मैं 5 तक बोलूँगा, अगर आप किसी को बीच में बोलना हो तो फिर दे देंगे। 7,01,000 रुपए एक, 7,01,000 रुपए दो, 7,01,000 रुपए तीन, 7,01,000 रुपए चार, सोच लो भाई, नहीं बोला, 7,01,000 रुपए पांच। ये थाना कोई भैया की अक्सर दानों की जो अधिकतम बोली है।